दोस्तों, मेरा नाम विकास है, अर्निंग नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो एक टर्म प्लान पे बनाया है, और मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में, इस टर्म प्लान के बारे में आपने नहीं सुना होगा या नहीं जानते होंगे। तो ऐसा मैंने वीडियो बनाया जिसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके है, जो यूनिक फीचर के साथ है ये प्लान, टर्म प्लान। दोस्तों, ये टर्म प्लान है एडलवाइस टोक्यो लाइफ का, इसका नाम है जिंदगी प्लस। और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे बेटर हाफ बेनिफिट्स, टॉपअप बेनिफिट्स, लाइफ स्टेज बेनिफिट्स। जो बेटर हाफ बेनिफिट्स है वो इस प्लान को बिल्कुल ही अलग बनाता है, जो मार्केट में इस तरह का प्लान नहीं है। और अगर इसको आप देखेंगे, समझेंगे, तो आप महसूस करेंगे हाँ, वाकई ये यूनिक फीचर है इसका ये। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले जरूर चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और शेयर जरूर करिएगा, जिससे सब लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, अभी इसके यूनिक फीचर के बारे में जानते हैं। पहला यूनिक फीचर जैसे बेटर हाफ बेनिफिट्स है। बेटर हाफ बेनिफिट्स क्या कहता है दोस्तों, इस एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँगा। सपोज कोई व्यक्ति कोई 30 साल का है, मैरिड है, वो ये टर्म प्लान लेता है 1 करोड़ का, तो क्या होगा? मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है आगे चल के, तो उसके नॉमिनी को फुल अमाउंट मिल जाएगा। और मिलने के बाद उसकी वाइफ को, यानी कि जिस दिन डेथ हो जाएगी उसकी वाइफ को, ऑटोमेटिक उसका हाफ रिस्क कवर चालू हो जाएगा। यानी कि 1 करोड़ का अगर टर्म प्लान लेता है तो उसकी वाइफ को 50 लाख का टर्म प्लान इश्यू हो जाएगा विदाउट एनी प्रीमियम, विदाउट एनी प्रीमियम। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये चीज यूनिक फीचर है इसका, बिना प्रीमियम। यानी कि 1 करोड़ का कोई टर्म प्लान लेता है, जो भी प्रीमियम उसका बनता है, तो उसको एक तरह से 1.5 करोड़ के आसपास का रिस्क कवर हो जाएगा। लेकिन मतलब ऐसे कवर नहीं है, लेकिन 1 करोड़ का कवर है, उसके ना रहने पे 50 लाख का कवर उसको एडिशनल कंपनी देगी वाइफ को, ठीक है। तो ये इसका एक यूनिक फीचर है जो दूसरे टर्म प्लान से अलग है मार्केट में, जितने भी टर्म प्लान है, ठीक है। दोस्तों, इसकी कुछ, इस प्लान की कुछ बेसिक नीड्स हैं जिसके बारे में हम पता करते हैं। जैसे बेस सम अश्योर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए। एज डिफरेंस बिटवीन स्पाउस की जो 10 साल के बीच में डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम। और तीसरा है स्पाउस लाइफ कवर स्टार्ट ओनली इफ द स्पाउस इज लेस देन 75 एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द लाइफ इश्योर्ड। तो ये तीन कुछ कंडीशंस हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा लेने से पहले। और टॉप अप बेनिफिट्स, ये इसका एक डिफरेंट फीचर है, आइए इसके बारे में जानते हैं। टॉप अप बेनिफिट्स क्या होता है दोस्तों, सभी जानते हैं जैसे मोबाइल में टॉप अप वगैरह डलता है, तो ये उसी तरह का कुछ टॉपअप है। सपोज करें कोई व्यक्ति, आज वो 30 साल का है और वो चाहता है कि अभी मैं तो मैं 1 करोड़ का प्लान लूं, लेकिन वो मेरा धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से रिस्क भी बढ़ता रहे, तो इसे कहते हैं टॉपअप। ये टॉपअप केवल 5 to 10% के, 5% या फिर 10% के आधार पर ही बढ़ सकता है। और सपोज से कोई व्यक्ति 1 करोड़ का टर्म प्लान लेता है, तो मान लीजिए 30 साल का व्यक्ति है, तो 31वें साल में उसका 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। और 32वें साल में 1 करोड़ 20 लाख, उसका प्रीमियम थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो इस तरह से बढ़ता रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का भी प्लान लेना चाहे तो ले सकता है, और ये बहुत ही यूनिक फीचर है ये भी। दोस्तों, तीसरा एक फीचर है लाइफ स्टेज बेनिफिट्स। लाइफ स्टेज बेनिफिट्स क्या होता है इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति 30 साल का है और वो अनमेरिड है, वो चाहता है कि जब मैं शादी करूं तो मेरा रिस्क थोड़ा बढ़ जाए, बच्चा हो तो थोड़ा और बढ़ जाए, होम लोन लूं तो और बढ़ जाए। तो इसको कैसे समझते हैं, जब सपोज करिए 30 साल का व्यक्ति है, कोई 1 करोड़ का टर्म प्लान लेता है, तो उसका जो भी प्रीमियम आएगा, और मान लीजिए उसकी 35वें साल में मैरिज होती है, तो 50% के आसपास वो रिस्क कवर और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 1.5 करोड़ का उसका रिस्क कवर हो जाएगा। 2 साल बाद, उस 5 साल बाद, 2 साल बाद जब भी उसको बेबी होता है, तो उसका 25% रिस्क कवर और बढ़ जाएगा, वो चाहता है। तो इस तरह से बढ़ता रहता है। तो ये कि यूनिक फीचर है लाइफ स्टेज बेनिफिट्स, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है या उसकी स्टेजेस बढ़ती हैं, जैसे जैसे उसके ऊपर भार बढ़ता जाता है, कहने का मतलब है, तो उसका प्लान, मतलब जो टर्म प्लान होता है उसका रिस्क कवर जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। इसकी भी कुछ कंडीशंस है। पहले एज ऑफ लाइफ इश्योर इज लेस देन 46 ईयर्स, रिमेनिंग पॉलिसी टर्म इज लेस देन 5 ईयर्स, और बेस सम एश्योर्ड मिनिमम 50 लाख होना चाहिए। तो ये कुछ यूनिक फीचर से ये भी लेस है। एक चीज और देखते हैं हम, वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट्स। दिस इज ओनली अवेलेबल डायग्नोसिस ऑफ द लाइफ इंश्योर सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ द इश्योर 35 क्रिटिकल इलनेस। कुछ 35 बीमारियां हैं क्रिटिकल इलनेस साथ,
अगर ये फाइंड होता है तो वेवर ऑफ प्रीमियम भी इसमें ऐड हो जाएगा अगर हम लेंगे तो। आफ्टर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी, ये कंडीशन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके साथ चार राइडर है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट राइडर है फर्स्ट, सेकेंड है एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर जैसे हम सभी जानते हैं, तीसरा है क्रिटिकल इलनेस अगर कोई फाइंड हो जाती है तो, चौथा है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर। दोस्तों ये यूनिक फीचर का राइडर है, ठीक है ना। ये आपने इस बेनिफिट्स को आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है ना उसमें देखा होगा, ये लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में बहुत कम देखने को मिलेगा। ये यूनिक फीचर है, ठीक है, जो इस प्लान को और यूनिक करता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तीन जो प्लान है इसमें कोई दो ऑप्ट कर सकते हैं, बेनिफिट कैन बी ऑप्ट फॉर द बिलो मेंशन मैनर मैक्सिमम टू एडिशनल बेनिफिट्स। फर्स्ट हम देख लेते हैं, पॉलिसी होल्डर कैन चूज एनी वन ऑफ द बेनिफिट्स, टॉप अप बेनिफिट्स, लाइफ स्टेज बेनिफिट्स, मतलब जैसे टॉप अप ले लिया, लाइफ स्टेज बेनिफिट ले लिया एंड वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट्स ले लिया, इसमें बेटर हाफ नहीं चुना। इन एडिशन पॉलिसी होल्डर कैन ऑप्ट फॉर बेटर हाफ बेनिफिट्स। तीसरा देखते हैं, बेटर हाफ बेनिफिट्स उसने ले लिया, टॉप अप बेनिफिट्स ले लिया एंड वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट्स ले लिया, तो ये दो मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशंस है। दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने वीडियो बनाया है ये टर्म प्लान के बारे में बनाया है, ये आपको इसको जान के समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और बहुत सारे लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल